हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का नेचर और एप्लीकेशन क्या है, यानी इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वरूप क्या है और यह किन क्षेत्रों में प्रयोग हो सकता है। सांख्यिकी, जैसा कि अमेरिकी सांख्यिकी एसोसिएशन अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन ने बताया है, डाटा से सीखने और अनिश्चितता को मापने, नियंत्रित करने और संचार करने का विज्ञान है। डाटा, अगर हम कहें, ये इंग्लिश का शब्द है। डाटा प्लूरल शब्द है, बहुवचन शब्द है। इसका सिंगुलर होता है डेटम, और इसका अगर हिंदी में आप समझें तो जानकारी के लिए डाटा शब्द का प्रयोग करते हैं, डेटा कहें या डाटा कहें इसको। तो अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन ने बताया कि सांख्यिकी क्या है, कि आप जो जानकारी एकत्र करते हैं, जो डेटा है उससे आप क्या सीखते हैं, जो जानकारी है उसकी अनिश्चितता को कैसे माप करते हैं और उसको नियंत्रित कैसे करते हैं और उसका संचार कैसे करते हैं, उसका कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इसी का विज्ञान है सांख्यिकी। इसकी एक और परिभाषा है जो चेम्बर्स ने दी थी 1993 में, कि सांख्यिकी जटिल और अनिश्चित जानकारी से निपटने के लिए एक ऐसी कार्य प्रणाली प्रदान करती है जो एक तरह से दोनों है, उपयोगी भी है और वैज्ञानिक रूप से मान्य भी है। पर आप इन दोनों ही परिभाषाओं में देखिए कि बहुत सफाई के साथ नहीं बताया गया है कि सांख्यिकी क्या है। सबसे प्रसिद्ध सांख्यिकी की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो क्रॉक्सटन और काउडन की दी हुई है, कि सांख्यिकी को संख्यात्मक डेटा के संग्रह, उसकी प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्या के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब सांख्यिकी क्या है कि संख्यात्मक डेटा जो आपका है, जो न्यूमेरिकल डेटा है, उसका कलेक्शन, संग्रह करना, उसकी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, उसका विश्लेषण, एनालिसिस और फिर उसकी व्याख्या करना, इसका विज्ञान ही सांख्यिकी कहलाता है। ये शब्द जो है सांख्यिकी का, इंग्लिश शब्द जो है स्टैटिस्टिक्स, ये लैटिन शब्द स्टेटस या इटालियन शब्द स्टैटिस्टा या जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक से लिया गया है, और इसमें से प्रत्येक का एक ही अर्थ होता है, राजनीतिक राज्य यानी पॉलिटिकल स्टेट। ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत पहले के समय में जब सांख्यिकी का पहली बार उपयोग शुरू हुआ तो सरकार इसका उपयोग अपने देश की जनसंख्या की जानकारी के लिए करती थी और उनके पास कितनी धन या संपत्ति है ये जानने के लिए। ऐसा वो क्यों करते थे? ताकि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो देश पे तो उन्हें पहले से पता होना चाहिए कि उनके पास कितनी जनसंख्या है, कितना पैसा, रुपया है, कितने संसाधन है, उसके ही अनुरूप वो अपनी तैयारी कर पाएंगे कि कैसे उन्हें अपने को सुरक्षित करना है। और आगे चल के यही जो एकत्र जानकारी होती थी, इसके आधार पर फिर जो टैक्स लगाए जाते हैं, कर जो लोगों को देने होते थे, वो उसका आधार ये बनता था। मतलब सांख्यिकी से जो इन्होंने ये सारी जानकारी एकत्र की, उसके आधार पे ये निकालते थे कि व्यक्तियों को कितने कर, कितनी उगाही देनी है। अब आते हैं कि सांख्यिकी का स्वरूप क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, यानी नेचर क्या है सांख्यिकी का। तो पहला है कि सांख्यिकी तथ्यों का एकत्रीकरण है, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेशन और अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। तो इससे पता चलता है कि जानकारियों का एक समूह जो है उसको हम सांख्यिकी कह सकते हैं, यानी सिर्फ एक व्यक्तिगत जानकारी, एकल जानकारी या असंबंधित आंकड़े सांख्यिकी नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि आपको मैं एक आंकड़ा देती हूँ, एक डाटा देती हूँ कि किसी फला व्यक्ति का नाम है पुनीत, तो अब ये जानकारी जो है ये एकमात्र इकलौती जानकारी, ये व्यक्तिगत एकल जानकारी किसी काम की नहीं है, अगर आपको सिर्फ इतनी जानकारी दी गई हो, क्योंकि ये सांख्यिकी नहीं है, ये कलेक्शन नहीं है इंफॉर्मेशन का या डाटा का। इसी तरह अगर आंकड़े जो आपके पास हैं भले एक से ज्यादा हो लेकिन वो संबंधित नहीं है आपस में। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको दो जानकारियां देती हूँ, एक कि एक व्यक्ति है उसका नाम है पुनीत और एक गाय है जो काले रंग की है। अब ये दो जानकारियां आपस में किसी भी तरह से संबंधित नहीं है, ये अनसंबद्ध आंकड़े हैं। तो इसका आप क्या कर सकते हैं? क्या इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या इन दोनों जानकारियों को मिलाकर कुछ आप कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये आपस में अनरिलेटेड है, इनमें कोई संबंध नहीं है। तो जो भी असंबंध आंकड़े हैं, जो एकल है, व्यक्तिगत है आंकड़े,
इनको हम स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी में नहीं शामिल करते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे आपने मान लीजिए स्टूडेंट्स के एक ग्रुप का आईक्यू संबंधित डेटा लिया, सबका आईक्यू आपने कलेक्ट किया, उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर आपने जांचा या उनकी शैक्षणिक उपलब्धि कितनी है इसकी जानकारी एकत्र की, तो ये जानकारी सांख्यिकी कही जा सकती है, क्योंकि न सिर्फ ये एक से अधिक जानकारी है बल्कि इनका आपस में एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। आप एक बच्चे के आईक्यू से दूसरे बच्चे के आईक्यू की तुलना कर सकते हैं। इसीलिए सांख्यिकी जो है वो तथ्यों का एकत्रीकरण है। दूसरा पॉइंट है नेचर के बारे में कि सांख्यिकी बहुत हद तक कई कारणों से प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे अगर आप देखें, मान लीजिए एक उदाहरण लेके ये समझते हैं, आप अगर देखना चाहें, आपने कोई अध्ययन किया जिसमें आप ये देखना चाहते हैं कि व्यक्ति के खान पान का उसकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। अब इसके लिए आप डाटा एकत्र करेंगे, जानकारी एकत्र करेंगे। मान लीजिए एक समूह के लोगों से आपने जानकारी एकत्र की कि उनका खान पान क्या है, वो क्या क्या खाते पीते हैं, मान लीजिए हफ्ते भर के दौरान उन्होंने क्या क्या खाया पिया, और फिर आप उनकी सेहत का भी कुछ आकलन करेंगे। मान लीजिए आपने उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया, मान लीजिए आपने देखा उनका वजन कितना है, वगैरह वगैरह दो चार चीजें आपने देखी। अब आपको देखना है कि क्या जो व्यक्ति जिनका आपने डाटा कलेक्ट किया है, डाटा इकट्ठा किया है, क्या उनके खान पान का उनके सेहत पर कोई असर है कि नहीं। और मान लीजिए आपने ये चीज देखी और आपको पता चला कि असर तो है, उनके खान पान का उनकी सेहत पर असर है, लेकिन क्या आप ये निश्चित तौर पे कह पाएंगे कि उनकी सेहत पे जो असर है, उनकी सेहत जो अच्छी है या बुरी है, वो उनके खान पान के कारण ही है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही जो हमारे चर हैं, वेरिएबल्स हैं, मतलब खान पान और सेहत, ये दोनों ही कई चीजों से प्रभावित होते हैं। जैसे आपका खान पान पहले तो स्वयं आपकी सेहत से ही प्रभावित होता है। अगर आप स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे, मान लीजिए जैसे आपका अपना खुद का भी अनुभव होगा, कभी आपको बुखार है या तबीयत बहुत खराब है, मन ठीक नहीं है, कोई भी कारण है, तो फिर आपको खाने की इच्छा नहीं करती। तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो खाना नहीं खाएगा सही से, उसका खान पान अच्छा नहीं होगा। तो सेहत स्वयं खान पान प्रभावित कर रही है और फिर उसका प्रभाव आपकी आगे की सेहत पे भी पड़ रहा है। इसके अलावा और कई कारक हो सकते हैं जो आपके खान पान को प्रभावित करें। आपकी आर्थिक स्थिति, जो गरीब तबके के लोग हैं वो उस तरह का खान पान नहीं रख सकते जैसे कि अमीर लोग रख सकते हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं, अनगिनत कारण हो सकते हैं अगर आप सोचे तो। इसी तरह सेहत को भी कई चीजें प्रभावित कर सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है उसका सेहत पे प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि आप खा पी तो अच्छे से रहे हैं लेकिन आपको कितना शारीरिक श्रम करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसका सेहत पे प्रभाव पड़ेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, उसका भी आपकी शारीरिक सेहत पे प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे कई कारण हैं। तो आपने ये डाटा एकत्र किया लेकिन आप निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकते कि हाँ जो व्यक्ति का खान पान है उसी का प्रभाव उसकी सेहत पे पड़ता है। तो सांख्यिकी बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है, जैसे ये आपने उदाहरण में अभी समझा। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे अगर कुछ छात्रों का हम देखें कि उनका स्कूल में क्या स्कोर आ रहा है, क्या नंबर आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये कई कारणों से हो सकता है। अगर किसी बच्चों के समूह का स्कोर गिरता जा रहा है, उनके मार्क्स कम होते जा रहे हैं, उनके अंक कम आ रहे हैं किसी विषय में, तो कई कारणों से ये प्रभावित हो सकता है। हो सकता है बच्चे की उस विषय में रुचि ही ना हो सकता है उस विषय में जो शिक्षक हैं वो सही तरह से उन्हें ना पढ़ा पा रहे हो सकता है कि शिक्षण विधियाँ जो है स्कूल में वो प्रभावी ना हो, या बच्चे का रवैया ही अच्छा ना हो पढ़ाई के प्रति, हो सकता है कि वहाँ की स्कोरिंग प्रक्रिया में दोष हो। तो ऐसे कई अनगिनत कारण हो सकते हैं, इसलिए सांख्यिकी बहुत सारे कारणों से प्रभावित होती है। तीसरा है, सांख्यिकी संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती है, मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है वो अमेरिका हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी, हमेशा संख्या के रूप में होगी। जैसे अगर आप कहें ईमानदारी, अच्छाई, क्षमता, ये चीज़ों को आप अगर संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं तब तो ये सांख्यिकी है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप जानकारी एकत्र कर रहे हैं, तो उसमें कई बार आप ऐसी जानकारियां भी लेते हैं जिन्हें संख्या के रूप में प्रदर्शित शायद नहीं किया जा सकता उनके व्यक्तिगत स्वरूप में। जैसे आपने कुछ बच्चों के समूह का डाटा एकत्र किया, उसमें आपने ये भी जानकारी एकत्र की कि वे पुरुष हैं या महिला है, तो ये जेंडर जो आपने डाटा एकत्र किया कि उनका लिंग क्या है, पुरुष या महिला, तो ये जानकारी तो सांख्यिकी नहीं है,
नंबर के स्वरूप में नहीं है, संख्यात्मक जानकारी नहीं है, लेकिन जब आप इन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, अगर आप इनको एक संख्या प्रदान कर सकते हैं, तब तो ये सांख्यिकी है, वरना इनका विश्लेषण संभव नहीं हो पाएगा। जैसे जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं और इस तरह की जानकारियां मिलती हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वरूप में संख्यात्मक नहीं है, और हमें उनका भी विश्लेषण करना है कि अच्छा कितने प्रतिशत पुरुष, कितने प्रतिशत महिलाएं, या कुछ और तरह की भी जानकारियां एकत्रित करनी हो, या कुछ अलग तरह का भी हम उन पे विश्लेषण करते हैं, आप आगे जैसे पढ़ेंगे समझेंगे, तो उसके लिए हम फिर इन्हें कुछ कोड दे देते हैं। जैसे हम तय कर देते हैं कि अच्छा पुरुषों को हम बोल देंगे एक, महिलाओं को बोल देंगे दो। मान लीजिए हमने बच्चे भी लिए, तो हम कर देंगे पुरुष एक, वयस्क पुरुष एक, वयस्क महिलाएं दो, बालक पुरुष एक, बालक पुरुष या लड़का या लड़की तीन, चार, ऐसे करके हम अलग अलग कोड दे देंगे। अब ये संख्यात्मक जानकारी हो गई। अब इस पर हम सांख्यिकी के नियम लागू कर सकते हैं, ठीक है? तो सांख्यिकी संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती है। चौथा इसका स्वरूप है कि सांख्यिकी सटीक मानकों के अनुसार अनुमानित होती है। तो आपका कुछ एक पैरामीटर होगा, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होगा, जिसके आधार पर आप सांख्यिकी लगाते हैं। जैसे सभी अध्ययन जो होते हैं उनके उद्देश्य एक रूप नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए अगर आप आईक्यू की गणना कर रहे हैं, तो एक कक्षा के छात्रों पर आप आईक्यू देख रहे हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है। अगर उसमें क्लास में आपके 100 छात्र हैं और उसमें से अगर आपने एक भी छात्र को नज़रअंदाज किया, उनका आईक्यू नहीं इकट्ठा किया, तो आपके पूरे रिजल्ट पर, आपके पूरे नतीजों पर उसका प्रभाव दिखेगा, पड़ेगा, क्योंकि ये समूह छोटा है। लेकिन वही आप मान लीजिए कि पूरे देश के बच्चों का, या जैसे यहाँ इस उदाहरण में दिखाया गया है, पूरे देश के सैनिकों का आप आईक्यू निकाल रहे हैं, तो पूरे देश में तो लाखों की संख्या में हो सकते हैं सैनिक। अगर उसमें से कोई 10 सैनिक ऐसे छूट गए जिनकी आप जानकारी एकत्र नहीं कर पाए, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके नतीजों पर, उसका कोई खास अंतर नहीं दिखाई देगा, शायद बिल्कुल भी अंतर नहीं दिखाई दे। तो इस हिसाब से अलग अलग मानकों के अनुसार सांख्यिकी लागू होती है, और वो निर्भर करता है, ये एक अध्ययन से दूसरे अध्ययन में बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। पांचवा है, सांख्यिकी एक व्यवस्थित तरीके से एकत्र की जाती है। तो सटीकता के जो उचित मानक हैं वो रखने के लिए आंकड़ों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एकत्र करना चाहिए। तो जो आप डाटा एकत्र कर रहे हैं उसमें अपनी मनमानी करने से नहीं चल सकता है। उससे फिर क्या होगा कि आपके जो आंकड़े मिले वो सटीक नहीं होंगे, और उसके कारण जो उन आंकड़ों के आधार पे आप निष्कर्ष निकालेंगे, फिर वो भी विश्वसनीय नहीं रह जाएंगे, वो भी सटीक नहीं रह जाएंगे। जैसे उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए अगर हम वही पहले वाला उदाहरण लें कि आप देखना चाह रहे हैं कि खान पान का क्या प्रभाव पड़ रहा है स्वास्थ्य के ऊपर, और मान लीजिए स्वास्थ्य में, या कुछ और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपने सोचा कि आपको देखना है कि स्ट्रेस का, चिंता का आपके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। और स्वास्थ्य में भी कोई एक चीज ले लीजिए, मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके रक्तचाप पे चिंता करने का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर आप एक विधिवत तरीके से चलेंगे, व्यवस्थित ढंग से डाटा एकत्र करेंगे, तो आप जानते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर पे चिंता का ही असर नहीं पड़ता, बहुत और चीज़ों का पड़ता है। जैसे अगर आपने खाना खाया, उसके आधे घंटे बाद आप डाटा लेंगे, तो किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, रक्तचाप थोड़ा बढ़ा ही हुआ आएगा, क्योंकि आपके शरीर में खाना खाने की वजह से उसकी पाचन क्रिया शुरू हो गई है, तो उसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज भी बढ़ जाता है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो ब्लड प्रेशर स्वाभाविक है, सबका ही बढ़ता है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हाँ चिंता की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है या नहीं, घटता है कि क्या होता है, तो आपने एक निश्चित समय तय किया कि ठीक है, व्यक्तियों के खाना खाने के आधे घंटे पहले हम उनका डाटा एकत्र करेंगे, और साथ ही उनका हम स्ट्रेस का या चिंता का, तनाव का भी डाटा एकत्र करेंगे, और फिर दोनों में हम देखेंगे कि सहसंबंध है कि नहीं, या एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ मान लीजिए आपने ये व्यवस्थित तरीके से ये जानकारियाँ, ये आंकड़े एकत्र नहीं किए, आपने मनमाने ढंग से किसी भी समय अलग अलग लोगों का डाटा लिया, और फिर उससे आपने निष्कर्ष निकाला कि बहुत कम ही तनाव होता है, बहुत थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, तो भी लोगों का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या ये निष्कर्ष पूरी तरह सही होगा? क्या ये विश्वसनीय होगा? नहीं, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने मनमाने ढंग से अलग अलग समय सबका डाटा लिया, तो इसमें कई लोग होंगे जिनका स्ट्रेस कम होगा, उनको तनाव कम होता होगा,
लेकिन आपने उनका डाटा कब लिया, उनका रक्तचाप कब मापा, जबकि वो तुरंत खाना खाकर उठे थे, आधा एक घंटा ही अभी हुआ था उन्हें खाना खाए, तो उनका ब्लड प्रेशर तो वैसे भी बढ़ा हुआ दिखाएगा। पर इस गलत आंकड़े के आधार पे आपने क्या किया, एक गलत निष्कर्ष निकाल लिया कि नहीं, स्ट्रेस थोड़ा सा भी होता है तो लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए गलत नतीजों पर ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि सांख्यिकी एक व्यवस्थित तरीके से ही एकत्र की जाए। अगला है पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए सांख्यिकी। तो जब भी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो जरूरी है कि जो आप अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको जानकारी एकत्र करनी है, उसका आपके दिमाग में पहले से खाका बना हो। आपको क्या उद्देश्य के लिए वो अध्ययन करना है, ये बिल्कुल साफ दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि एक लोगों का समूह है, उनका आईक्यू कितना है, बुद्धिमत्ता कितनी है। तो अगर आपको ये निश्चित नहीं है पहले से कि आपको उनकी बुद्धिमत्ता नापनी है, तो आप कई और विभिन्न प्रकार के डाटा एकत्र करने लगेंगे, जैसे उनकी आय क्या है, उनका ब्याज क्या है, कितना बैंक में उनको ब्याज मिल रहा है, उनके कितने पैसे जमा है, उनकी संपत्ति कितनी है, घर में कितने सदस्य हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियां आप एकत्रित करते चलेंगे। और बाद में आप परेशान होंगे कि इतनी जानकारियों का करें क्या, या कई जानकारियां पता चलेंगी कि ये तो उपयोगी है ही नहीं हमारे अध्ययन के लिए, इनका कोई काम ही नहीं था, और फिर वो जानकारियां बेकार जाएंगी। तो आपने अपना समय व्यर्थ किया, पैसा व्यर्थ किया इतनी जानकारी एकत्र करने में, और वो किसी काम का नहीं रहा। तो इसलिए जरूरी है कि एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए ही आप सांख्यिकी का प्रयोग करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने फायदे के लिए, जो शोध करता है वो अपने फायदे के लिए, जैसे किसी को अपने करियर में आगे बढ़ना है, प्रमोशन चाहिए वगैरह, तो वो लोग कोई एक निश्चित उद्देश्य बनाकर काम नहीं करते। वो क्या करते हैं कि कुछ भी चीजों पर, 8-10 चीजों पर उन्होंने डाटा एकत्र कर लिया, जानकारी एकत्र कर ली, आपस में उनका संबंध देखना शुरू कर दिया, जोड़ घटाव किया, देखा कि क्या नतीजा आ रहा है, कुछ सही निकल पा रहा है इसमें से, क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है। अगर कुछ ऐसा उनको दिखाई देता है तो उसी के आधार पे फिर अपना वो बाद में उद्देश्य बना लेते हैं कि हाँ, हमारा तो उद्देश्य ये देखना था और हमें ये चीजें मिल गई, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पहले एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए आपके पास, आपने पहले से तय किया होना चाहिए कि आपको क्या अध्ययन करना है, क्या आपका उद्देश्य है, आप क्या देखना चाहते हैं, और उसी के हिसाब से डाटा या आंकड़े आपको एकत्र करने चाहिए। फिर है सातवां, सांख्यिकी को एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। सांख्यिकी जो है वो तुलना के लिए उपयोग होती है, ये विधि है जिसमें हम अलग अलग आंकड़ों की आपस में तुलना करते हैं। तो तुलना कर पाने के लिए जरूरी है कि वो आंकड़े जो हैं वो तुलनात्मक हो, उनकी तुलना हो सकती हो। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपने मेमोरी का एक टेस्ट लिया, ठीक है, और स्मृति का आपने टेस्ट लिया, और उस पे आपको कुछ डाटा मिला, कुछ आंकड़े आपके पास आए, और आप उसकी तुलना उन्हीं लोगों के आईक्यू से करें, उनकी बुद्धिमत्ता से करें, तब तो ये ठीक है, क्योंकि आईक्यू में, बुद्धिमत्ता में कई चीज़ें शामिल हैं, जिसमें एक स्मृति, अच्छी स्मृति का होना, अच्छी याददाश्त का होना भी शामिल है। तो ये दोनों चीज़ें तुलना करने योग्य हैं। पर अब वही मान लीजिए, आप मेमोरी का जो आपके पास डाटा आया, स्मृति का जो डाटा आया, आप व्यक्ति के माता पिता के वेतन के साथ उसका तुलना करने लगे, या वो व्यक्ति कहाँ रहता है उस जगह के हिसाब से उसकी तुलना करने लगे, तो ये तुलना अर्थहीन है, क्योंकि ये तुलना करने जैसी दो चीज़ें हैं ही नहीं। जैसे हमने पहले एक उदाहरण देखा था कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है पुनीत, और एक गाय है जो कि हरे रंग की है, सॉरी काले रंग की है। तो हमारे पास ये दो जानकारियां हैं। अब इनका क्या किसी प्रकार से तुलना की जा सकती है? नहीं, वो दोनों ही भिन्न है, एक में रंग बताया जा रहा है, एक में नाम बताया जा रहा है, दोनों ही विभिन्न प्रजाति के जीव है, तो इनमें तुलना संभव ही नहीं है। आप इससे, इन दो जानकारियों को मिला के किसी एक नतीजे, एक निष्कर्ष, एक जानकारी पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए जरूरी है कि सांख्यिकी को वही चीजों को कहते हैं जो एक दूसरे के संबंध में हम देख सकते हैं, एक दूसरे से क्या संबंध है ये चीज निकाल सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ कहाँ है हमारे जीवन में, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कितनी उपयोगी है सांख्यिकी। तो वस्तुतः आज के समय में अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है सांख्यिकी से, हर जगह सांख्यिकी का कम या ज्यादा प्रयोग आपको देखने में मिलेगा ही। जैसे सांख्यिकी व्यवसाय में या व्यापार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए कि आप एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि एक व्यापारी है,
उसे रेडीमेड कपड़ों का निर्माण करना है। अब उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसके पास कई जानकारियां होनी चाहिए जो हमें सांख्यिकी से ही मिलेंगी, जैसे कितने वस्त्र बनाने हैं, कच्चा माल जो है वो कितने मात्रा में लेना है, कितना श्रम चाहिए, और जो कपड़े बनेंगे उनकी गुणवत्ता क्या होगी, आकार क्या होगा, माप क्या होगा उसका। ये सारी जानकारियाँ जो हैं ये हमें सांख्यिकी से ही मिल सकती हैं, और ये सब जानकारियों की ज़रूरत आपको व्यापार में पड़ेगी। इसी तरह से और कई चीज़ें हैं व्यापार में जिसमें आपको सांख्यिकी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कितनी मजदूरी देनी है लोगों को, उनके जीवन यापन की लागत कितनी है, मजदूरों को कैसे प्रोत्साहित करना है, और जो श्रमिक विवाद वगैरह होते हैं, अशांति उत्पन्न हो जाती है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उत्पादन पर, मजदूरों का प्रदर्शन कैसा है, इसका क्या मानक निर्धारित होगा, कितना काम वो करेंगे या कितने घंटे काम करें या किस क्वालिटी का, किस गुणवत्ता का काम करें तो कहा जाएगा कि उनका प्रदर्शन अच्छा या बुरा है। इन ये सब आंकड़ों पर ही आधारित होता है, और वो सांख्यिकी की मदद से ही हम लेते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इसी तरह से और कई चीज़ें हैं, जैसे मार्केटिंग का अगर आपको फैसला करना है कि आपने जो सामान बनाया, जो उत्पाद बनाया, तो उसको कहाँ पर बेचना है, किस तरह के दुकान पर बेचना है, कैसे लोगों को वो ज़्यादा पसंद आएगा, उसके खरीदार उच्च वर्ग से होंगे, निम्न वर्ग से होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे, कितनी बिक्री हो पाएगी, ऋण नीति बनाने के लिए निवेश कितना करना है शेयरों में वगैरह, ये सब जानकारी के लिए, लेखांकन के लिए, बिक्री का नियंत्रण करने के लिए, ये सभी व्यापार संबंधी जो क्षेत्र हैं इसमें सांख्यिकी का भरपूर इस्तेमाल होता है। इसी तरह सांख्यिकी का उपयोग जीवन बीमा में भी होता है, और ये वैसा क्षेत्र है जीवन बीमा जो 7वीं शताब्दी से चला आ रहा है, जीवन बीमा का कैलकुलेशन शुरू हुआ, और ये सांख्यिकी का उपयोग करने वाली व्यापार और वाणिज्य की अग्रणी शाखाओं में से एक माना जाता है। इसी तरह अगला है जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी और चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिसिन का क्षेत्र। इसमें भी सांख्यिकी का भरपूर योगदान है, भरपूर उनका अवसर होता है कि सांख्यिकी का प्रयोग करें। जैसे कार्ल पियर्सन है, तो उन्होंने बताया कि अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वो पूर्णतः सांख्यिकी के ही आधार पे टिका हुआ है। ये क्षेत्र भी है जैविक विज्ञान का जिसमें स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स, मतलब बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स मिलाकर बन गया बायो स्टैटिस्टिक्स। और ये वो क्षेत्र है जो जैविक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण के नियमों पर आधारित है। इसी तरह चिकित्सा विज्ञान में अगर हम देखें तो रोगों का कारण पता करने के लिए जो विभिन्न दवाएं या इंजेक्शंस वगैरह बनते हैं, उनके निर्माण के लिए कई सारे टेस्ट यूज होते हैं, कई सारे टेस्ट परीक्षण किए जाते हैं, और उसमें भी सांख्यिकी का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कई बड़े बड़े देश कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए दवाइयाँ और इंजेक्शन बनाने में जुटे हुए हैं। तो आमतौर पर कोई भी दवाई या इंजेक्शन बनाने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है, हालांकि अभी महामारी की स्थिति है तो कोशिश की जा रही है कि कम से कम समय में इस दवा को या इंजेक्शन का निर्माण कर लिया जाए, लेकिन फिर भी इसमें कुछ समय लगता ही है। कुछ इसके चरण ऐसे हैं जिनको हम छोटे समय में, कम समय में नहीं कर सकते, जैसे इंजेक्शन नए जब बनते हैं या दवाइयाँ जब नई बनती हैं तो इनका कई चरणों में, कई स्टेजेस में पहले जानवरों पर टेस्ट होता है, जैसे पहले छोटे जानवरों पर जैसे चूहे वगैरह हो गए, फिर कुछ बड़े जानवरों पर बंदर वगैरह पर टेस्ट होता है, फिर इंसानों पर कई चरणों में परीक्षण होते हैं। तो इन सब परीक्षणों का क्या परिणाम आ रहा है ये कैसे निकालते हैं, जो आंकड़े इकट्ठा किए उससे ही निकलता है कि क्या इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई और शारीरिक दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहे हैं, कितना कारगर हो रहा है, कितने घंटे में काम कर रहा है, कितने देर तक असर रह रहा है, ये सारी जानकारी जो है ये सारी जानकारी आंकड़ों के ही रूप में होती है। तो इनका अध्ययन करने के लिए, इनसे निष्कर्ष निकाल पाने के लिए जो है सांख्यिकी का प्रयोग इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और सांख्यिकी का प्रयोग और भी बहुत से विज्ञान के क्षेत्रों में है, जैसे भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, गणित, मौसम विज्ञान, वाणिज्य, समाजशास्त्र, बहुत क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता रहता है। अगला है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी, इसमें भी इसका बहुत प्रयोग है सांख्यिकी का। जैसे कि अगर आपको देखना है कि जो अंतरिक्षीय पिंड है वो
हमारी धरती से कितने दूर है, या आपस में उनकी दूरी कितना है, उनकी द्रव्यमान कितना है, आकार कितना है। तो ये सारी जानकारियाँ धरती से बैठे बैठे इकट्ठा करने के लिए, जाहिर सी बात है कि जो जानकारियाँ आप लेंगे उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, कुछ कमियाँ रह जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए भी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसी विधियाँ होती हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे इस पेपर में तो आप जानेंगे कि जो त्रुटियाँ या गलतियाँ रह जाती हैं, क्योंकि मानव ही है जो डाटा एकत्र कर रहा है तो गलतियों की संभावना रहती ही है, तो उन गलतियों की भरपाई भी आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं स्टैटिस्टिक्स के, सांख्यिकी के, कि जिनका प्रयोग करके उन गलतियों का आप एक तरह से उसको कंपेंसेट कर देते हैं, वो गलतियां जो हुई हैं उनका प्रभाव खत्म करके फिर आप देखते हैं कि आपका क्या निष्कर्ष आ रहा है। इसी तरह गणित में भी काफ़ी प्रयोग है इसका। गणित तो सांख्यिकी से सबसे मिलता जुलता सा ही है, इसके भी बहुत क्षेत्र हैं जहाँ पे सांख्यिकी का प्रयोग होता है, जैसे बीज गणित हुआ, एलजेब्रा, उसमें काफ़ी काम है सांख्यिकी का। इसी तरह से डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन यानी विभेदन, एकीकरण, अगर आपने 11वीं और 12वीं में पढ़ा होगा मैथ्स तो आप इन सब शब्दों से परिचित होंगे। इन सब में भी सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, इसका प्रयोग होता है। अगला है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में भी सांख्यिकी का बहुत उपयोग है। ये पूरी तरह से सांख्यिकी के अध्ययनों पर ही आधारित है। जैसे जीडीपी हम निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, या जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इन सब तरह के कारकों की गणना करने के लिए जो अर्थशास्त्री होते हैं वो सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। और ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें बहुत सटीकता से मापी जा सकें। और सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में बहुत प्रयोग है, जैसे राष्ट्रीय आय खाते जो हैं वो कैसे बनेंगे, उसके लिए सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया जाता है। आपूर्ति और मांगें कितनी हैं किसी वस्तु के लिए, किसी उत्पाद के लिए, आयात और निर्यात की क्या स्थिति है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं उसका दर क्या चल रहा है, ये सब चीज़ जानने के लिए भी हम आंकड़ों से जो निष्कर्ष निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सांख्यिकी के प्रयोग से ही। इसी तरह मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में भी, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का बहुत ही उपयोग है, और इसके कई सारे अध्ययन होते हैं जिसमें आप सांख्यिकी का भरपूर प्रयोग करते हैं और उससे निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें बहुत छोटे में ये चीज़ बताई गई है यहाँ इस वीडियो में, क्योंकि आगे आप इस पूरे पेपर में हर जगह ही देखने वाले हैं कि मनोविज्ञान में कहाँ और किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय तरीकों का, तकनीकों का प्रयोग होता है। सांख्यिकी का प्रयोग इतना बढ़ चुका है मनोविज्ञान में कि अब एक साइकोमेट्री नाम का नया विषय ही अस्तित्व में आ गया है, जो कि आप भली भांति परिचित हैं जिससे, क्योंकि आपका ये पेपर ही साइकोमेट्री नाम से है। अगला है प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो प्रबंधन में भी सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे अगर सरकार चाहती है कि जीवन लागत में वृद्धि करना है कर्मचारियों के, तो जीवन लागत में वृद्धि को निर्धारित करने के लिए वो क्या करेगी, सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करेगी। इसी तरह से बजट की तैयारी में भी आंकड़ों का बहुत रोल है कि बजट में किस चीज़ का दाम बढ़ाना है, किसका घटाना है वगैरह, ये सब जानकारियाँ कैसे एकत्र होती हैं, सांख्यिकी से ही, जो हमें डाटा होता है उसका सांख्यिकीय अवलोकन करके ही फिर हम निष्कर्षों पे पहुंचते हैं। इसीलिए सांख्यिकी को राज्य के प्रशासन की आंखें भी बोला जाता है। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे सांख्यिकी बहुत इस्तेमाल होती है, वो है बैंकिंग। बैंकिंग क्षेत्र जो है आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंकिंग सेक्टर जो है वो मनी एक्सचेंज सिस्टम पे काम करता है, तो वो जमाकर्ताओं से पैसे इकट्ठा करते हैं और उन लोगों को पैसा देते हैं जिन्हें उधार लेने की ज़रूरत है, और इस प्रक्रिया में जो बैंक हैं वो ब्याज कमाते हैं जिसका एक हिस्सा वो जमाकर्ताओं को भी देते हैं। तो बैंक इस सिद्धांत पे काम करते हैं कि किसी भी एक दिन जितने लोग पैसा जमा करने आने वाले हैं उतने ही लोग अपने पैसे निकासी करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि जितने लोग पैसा जमा करने आ रहे हैं उतने ही लोग पैसा निकाल भी ले जाएंगे उसी दिन, तो इसमें बैंक का कोई फायदा नहीं हुआ। और बल्कि अगर उल्टा हो गया कि जितने लोग जमा करने आ रहे हैं पैसा वो कम है और पैसा निकालने वाले ज़्यादा लोग आ गए, तो और बैंक को घाटा हो जाएगा। तो इसलिए ये कैलकुलेशन करना, ये निकालना कि हाँ क्या संभावना है, कितने लोग पैसा जमा करेंगे, कितने निकालेंगे,
ये सब आकलन करना कैसे संभव हो पाता है? सांख्यिकी की मदद से ही संभव होता है। इसी तरह बैंक में जब ऑडिटिंग होती है, ऑडिटर्स आते हैं, लेखा परीक्षक, जो बैंक का क्या काम काज चल रहा है, कितना सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ देखते हैं। अब मान लीजिए साल भर का उन्हें डाटा जो है बैंक का, उनका परफॉर्मेंस जो है, उनका प्रदर्शन कैसा रहा, वो चीज़ देखनी है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि साल भर का डाटा वो देख पाए। तो वो एक किसी नमूने को लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं और उसी का आकलन करते हैं, उससे निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि पूरे साल का परफॉर्मेंस बैंक का कैसा रहा होगा। तो ये नमूना आप कैसे चुनेंगे या किन तरीकों से आप उस छोटे नमूने के आधार पर पूरे साल का परफॉर्मेंस समझ पाएंगे, ये सब भी सांख्यिकी के नियमों पर ही निर्भर है। कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ सांख्यिकी का बहुत प्रयोग होता है, जैसे एक्चुरियल साइंस। ये वो क्षेत्र है जो बीमा और वित्त उद्योगों में जोखिम का आकलन करने के लिए गणितीय और सांख्यिकी तरीकों का प्रयोग करता है। ऐसे ही है बिजनेस एनालिटिक्स, ये बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है, एक व्यावसायिक प्रक्रिया है ये, जो कि सांख्यिकी तरीकों का प्रयोग करती है ताकि व्यापार अंतर्दृष्टि और अवसरों की नई अंतर्दृष्टि को समझ सके और उसके बारे में समझ को बढ़ाया जा सके। जनसांख्यिकी जो है, सेंसर जो होता है हमारे देश का, वो आबादी कितनी है किसी क्षेत्र की या पूरे देश की, उसका एक सांख्यिकीय अध्ययन है। इसी तरह पर्यावरणीय सांख्यिकी, पर्यावरण से संबंधित सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, इसमें मौसम, जलवायु, हवा और पानी की गुणवत्ता, पौधे और पशु की आबादी क्या है, इसके संबंधित अध्ययन इसमें शामिल है। फिर अर्थनीति, इकोनोमेट्रिक्स जिसको कहते हैं, ये अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसमें आर्थिक सिद्धांतों और संबंधों के अनुभवजन्य अध्ययन के लिए सांख्यिकीय तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह महामारी विज्ञान, जो स्वास्थ्य और बीमारी को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य और उनके निवारक दवा के हित में जो हस्तक्षेप किए जाते हैं वो जानने के लिए उस रूप में कार्य करता है। ऐसे ही है जियो स्टैटिस्टिक्स, जो भूगोल की एक शाखा है, जो पेट्रोलियम, भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इन सब के संबंधित डाटा इकट्ठा करता है और सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करके इनसे निष्कर्ष निकालता है। इसी प्रकार और क्षेत्र भी हैं, ऑपरेशंस रिसर्च, जिसे ऑपरेशनल रिसर्च भी कहते हैं, विश्वसनीयता इंजीनियरिंग, सांख्यिकीय भौतिकी, और ये सारे बस कुछ ही उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे और उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सांख्यिकी का भरपूर प्रयोग होता है। शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा छूटा रह गया हो जहाँ पे सांख्यिकी का प्रयोग आज के समय में नहीं होता है। तो इससे आपने जाना कि सांख्यिकी क्यों ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि इट इज़ द मार्क ऑफ अ ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन टू बी मूव्ड बाई स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स से वही लोग प्रभावित हो पाते हैं जो कि सचमुच बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि इससे जो आंकड़े हैं वो झूठ नहीं बोलते, कहा जाता है, और इनसे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो काफ़ी आगे के फैसले लेने में हमारी सहायता करते हैं। तो इस वीडियो में आपने पूरा जाना कि सांख्यिकी है क्या, कैसे उसे परिभाषित करेंगे, उसका स्वरूप कैसा है, और आपने जाना कि उसका विस्तार क्या है, किन किन क्षेत्रों में उसका प्रयोग होता है। धन्यवाद।